गाइज, वेलकम बैक टू आर न्यू यूट्यूब वीडियो। और सबसे पहले गुड मॉर्निंग। मैं आज बहुत जल्दी उठी हूँ। कोई सुनेगा तो मेरे को झूठ बोलेगा, लेकिन मैं सच बहुत जल्दी उठी हूँ, अच्छे से रेडी हुई हूँ। और अभी मैं मेरा एल्बम आपको दिखाने वाली हूँ शादी का। जैसे मैंने दो तीन ब्लॉग के पहले बोला था कि मैं मेरा शादी का एल्बम दिखाऊंगी, लेकिन दिखाना नहीं हुआ था क्योंकि नेक्स्ट डे ही हम कहीं बाहर चले गए थे और आज भी हम कहीं बाहर जाने वाले हैं। लेकिन फिर पहले मैं एल्बम दिखाऊंगी और फिर हम बाहर जाएंगे कहीं। तो मेरी नज़र अटक गई थी, पता नहीं कहाँ। So, are you ready to show a marriage album? ऐसे निकलता नहीं है। क्या फाड़ना है उसे? हाँ, कितनी परीक्षा मरी हो? हाँ, हाँ कर रहा हूँ समथिंग सही थी। खत्म। जाई किधर है? हाँ, ये वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। विष्णुप्रिया वेडिंग सेरेमनी 942023 काम वाली भाई। ये हमारा घर है जो आप रेगुलर वीडियोस में देखते ही हो। ये एक सुंदर नारी है। ये हमारा हल्दी का फंक्शन था। इसका वीडियो नहीं है ना अपने पास? है इसका वीडियो, लेकिन इस पे अपलोड नहीं किया ये कहीं पे। घोड़ के ये देखो, ये वाला कौन सा? ये वाला। ये मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था। यहाँ पे इन दोनों ने हमें उठाया और फिर बाद में कृष्णा दादा मेरे कान में बोल रहा था, तू तो वेट कम करने वाली थी ना। साई को भी अप्पा दादा बहुत चिल्लाया था भाई। मेरे को कुछ नहीं बोला था। बोला था साई। यहाँ पे थक गए थे, इसको तो पूरा पसीना पसीना हो गया था मुझे उठा के। मेरी मेहंदी बताए 3 दिन पहले निकाली थी मैंने हल्दी की, और फिर भी शादी के दूसरे बहुत दिन तक मतलब डार्क थी हमारी मेहंदी आर्टिस्ट कामवाली भाई। ये इधर मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, मेरे को रोना आ रहा था, लेकिन फिर डैडी ने ऐसे लगाया तो आंखों में चला गया था। ये फैमिली फोटो, इसमें पापा नहीं थे, पापा फ्लाइट से आए थे और सीधा अगले इसके नेक्स्ट डे वहाँ पे रीच हुए थे। वो पीछे से फ्लाइट में आए थे। हाँ, शादी के एक दिन पहले, शादी के दिन नहीं। ये फोटो में ना जरा हमें प्रॉब्लम हो गई थी, हमारे मामा सुन ही नहीं रहे थे फोटो, मतलब जो फोटोग्राफर है मेरे मामा ही थे। बहुत उन्होंने गौरव की फेवरेट मामा नहीं, लेकिन उन्होंने फोटोज वगैरह अच्छे निकाले। इनका बहुत क्यूट फोटो है, मौसी कितनी क्यूट दिख रही है। ऐसे ब्लश हो गए थे गाल उनके बारे में। अभी का अलग ही चेहरा है वो फोटो, मेरी भी आंखें बंद है इसमें। ये तो कैंडिडेट निकाला था उन्होंने। इसमें मेरा बड़ा मुंह नहीं दिख रहा थोड़ा? ऐसे ही साई नहीं, लेकिन ये 3D फोटो, ये 3D फोटो है। समझेगा ये नहीं समझेगा शायद? नहीं, लेकिन थोड़ा सा समझ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट। हाँ, इनको भी बोला था इनके पास देखो, फिर हमने नहीं देखा था। फिर भी ये हमारा बेबी है कुछ को। और ये मेरे सारे कजन्स है, इसमें सिर्फ और पापेटा नहीं है, मतलब मिथुन जिसका नाम है वो नहीं है। नहीं, इसमें टूटू दीदी नहीं है, रिंकू दीदी नहीं है, जितुएडा नहीं है, लेकिन ये उन छोड़ के बाकी के कजन्स है। और ये यहाँ वहाँ के जानवर्स, ये सबसे बड़ा ये वाला अर्जुन पीछे छुप गया था। अर्जुन पीछे छुप गया था। बहुत सारे लोगों को यार जगह छोटी हो गई थी ना, इसकी वजह से लेने नहीं पाया। वो बहुत बड़ा फोटो था। नेक्स्ट, मिस्टर सत्तार। इन्होंने क्या किया था, मतलब हम दोनों को ना ऐसे करीब लाना था, लेकिन उनका ना उनको फोर्स समझ में नहीं आया। उन्होंने इतने जोर से हमें मारा था ना, ऐसा मतलब थप करके लग गया था हमें। ये फोटो मेरा फेवरेट। ये टाइम में मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। हाँ, साई सबके ऊपर चिढ़ के चले गए थे।
लेकिन फिर भी फोटो अच्छा आया है। मैं दिखता अच्छा हूँ? फोटो में थोड़े दिखता है कि आप चिड़चिड़े हो या नहीं। ये इन्होंने मेरे लिए डांस रखा था सबने मिलके, और ये यहाँ पे भी वही फोटोज है। ये यहाँ पे शाम और वो सब चिल्ला रहे थे, चीयर कर रहे थे उनको। ये दादा यहाँ पे पैसे उड़ा रहा था। ये जो था ये हमारे लिए सरप्राइज डांस था, क्योंकि जीजू ने हमारे लिए डांस रखा था और ये हमें बिल्कुल पता नहीं था। ये तो मुझे पता था लेकिन ये हमें आइडिया भी नहीं था। और ये दादा पैसे उड़ाते थे सबके ऊपर। मैं बोल रही थी नीचे आ जा करंट लग जाएगा वहाँ पे, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे। ये फोटो मैंने देखा ही नहीं, देखो ये हमें उठा के नाच रहे थे जिसमें वही थक जा रहे थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये भी एक डांस रखा था, ये मतलब सामने ही रहते थे हमारे, तो इन्होंने भी हमारे लिए डांस रखा था। बहुत तेज तेज नहीं चेंज किया। ये मेरा फेवरेट फोटो है, कितना अच्छा निकाला है ना। मेरा फोटो सही है, मैं मेरे कृष्णा के साथ। हाँ, ये हमारे यहाँ पे एक रिचुअल है, ऐसे पान, ऐसे एक बड़ा पत्ता रहता है उसके अंदर पान और 51 रुपीज़ या फिर 101 रुपीज़ देकर पैर पड़ते हैं। फिर उसके बाद हमें किसी के पैर पड़ने नहीं रहते। ये सब आए थे, मेरी इतनी बैक, मैं आपको भी बताया था ना मैंने फ़ोन करके, मेरा बहुत बैक पेन हुआ था क्योंकि मैं लाइक 1-1.5 घंटा सबके पैर ही पड़ रही थी। ये फ़ोटो कैसा लगा सही? मैं सुंदर तो हूँ है ना, बस देखने वाले की नजर अच्छी होनी चाहिए। वाह, इसमें भी मैं सुंदर हूँ। मैं किसमें सुंदर नहीं हूँ, मैं सब में सुंदर हूँ। ये मुझे उन्होंने ना गोल गोल ऐसे घूमने बोला था और वैसे फोटो ले लिया था। ये कितना क्यूट आया। नहीं, ये सुबह 5 बजे फाइनली, अभी शादी अभी आई है शादी नहीं। ये सुबह 5 बजे का मुहूर्त था। ये गुरुवायर मंदिर है, कृष्णा का मंदिर है। ये हम वहाँ पे बिना शर्ट का ही रहना पड़ता है, तो फिर ये मेरा शादी का लुक था एकदम सिंपल जैसा मुझे चाहिए था वैसा। और हम बहुत कम लोग गए थे वहाँ पे, मतलब फैमिली गई थी, मम्मी पापा, चाय के मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा और मेरे दो जीजू। हाँ, मेरे दो जीजू। कितने कितने डेंजर गुस्से में दिख रहे हो, लेकिन ऐसे नहीं हो। ऐसे नहीं हो, फोटो में आया होगा चेंज। ये कितना क्यूट फोटो है। ये वाला सब हम तीनों के एल्बम है, ये फोटो है ही है। पापा फुल पाटिल स्टाइल। सबने लुंगी पहने थी, पापा पहनते थे तो फिर गिर ही जाते थे, इसलिए उनको हमने ही बोला कि आप मत पहनो। ये था शादी का टाइम। सबसे पहले चंदन लगाते हैं एक दूसरे को। अरे ये तो दूसरा फोटो गया था, शादी का पहले का फोटो है चेंज। ये साई के हाथ में मंगलसूत्र है और हमारे यहाँ पे मंगलसूत्र ऐसा घूम के डालते हैं। हाँ, ऐसा पूरा घूम के फिर यहाँ पे लॉक करता है। ये लॉक किया, ये यहाँ पे लॉक किया, कंटिन्यूस लॉक कर रहे हैं, कंटिन्यूस लॉक ही कर रहे हैं हम। उसके बाद में माला, ये माला। और यहाँ पे ना मैंने जंप किया था, मतलब साई को डालने नहीं दे रही थी इसलिए जंप किया था, इसलिए हंस रहे थे। ये अभी सिंदूर भर रहे थे साई, और ये मेरे डैडी ने कन्यादान कर दिया था। लड़की आप ले लो बोले, लेके भाग रहा था मैं। नहीं, यहाँ पे फेरे चल रहे थे और फिर हम ये मतलब शादी जो करवाता है उनको देते हैं ना दक्षिणा, वो दे रहे थे। हमने फ्रेम बनाया है, यहाँ से जाने के, ये हम यहाँ से जाने के बाद दिखाएंगे आपको, टूर करवाएंगे एक बार। हाँ, ये पूरी फैमिली का फोटो। ये जो दिया है उसको भी हम ये करते हैं, मतलब पूजा करते हैं वगैरह। ये फोटोस, मम्मी रो रही थी देखो। ये आ गया हॉल का,
सुबह वहाँ पे हो गई थी। अभी यह हॉल था, यहाँ पे एंट्रेंस थे और ऐसा बोर्ड लगाया था बाहर, और ये था डेकोरेशन। मस्त था ना डेकोरेशन, बहुत अच्छा था। कूलर किसी काम में नहीं आया। हाँ ये तो किसी काम में नहीं आया, वो तो फिर बाद में हटा दिया था उन्होंने, खुद से ही हटा दिया था। ये मेरी दीदी की फैमिली है, ये रहे सब कजिन्स, ये दोनों तो सबके मतलब दीदी की, इनके एल्बम में भी इन दोनों का सेपरेट फोटो है। किधर गए, दिख नहीं रहे। अच्छा दिख गए। ये तीन भाई है, तीन बंदर है ऐसे, इसमें कितने डिसेंट लगती है मेरी दीदी। अभी दिखाया ना उसको काम वाली भाई। तो ये चिंडा, इसको बोलते हैं चंडा, और ये आज तक के हमारे यहाँ पे मतलब हमारे जहाँ पे रहता है उनके किसी की शादी में नहीं हुआ था, ये सिर्फ मेरे शादी में लगाया गया था। और आज भी सब आके बोलते हैं यार जैसी शादी हुई है ना इसकी, किसी की नहीं हुई है यहाँ पे। मेरी भी, मेरी। हाँ मतलब हाँ, हमारी शादी। यस बेबी, अम्मा अप्पा वेरु, अम्मा गेली ये हमारी फ्रेंड है जो ये वेलकम के लिए रखा जाता है ऊपर, और इसमें अत्तर रहता है, चंदन वगैरह सब। कितना क्यूट फोटो है ये हमारे, ये रहे बाजे वाले। नहीं इन सब ने प्लान किया था ये सब सेम पहनेंगे, सिर्फ अर्जुन दादा नहीं था इसमें, इसने अलग ही कुछ पहन लिया था। इन्होंने सबने व्हाइट और ये पहना था, और इसने कुछ अलग ही पहन लिया था, इन सब ने ब्लैक पहना था। लेकिन अच्छे दिख रहे थे है ना, सबके सब अच्छे। क्यों सही उठे देख, नहीं एथे देख। तो ये सब एंट्री है, मतलब अभी तक शादी के मंडप में हम आए ही नहीं है। ये सब फोटोज है सबके, ये हमारे दो फोटोग्राफर, नहीं ये ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य हाँ ये शादी में हमारे यहाँ पे ऐसा ऐश्वर्य रहता है। मुझे बहुत ऐसा ऊंचा खड़ा रहना पड़ा था ये फोटो के लिए। ये मंडप फुल हो गया। हाँ तो ऐसे ना यहाँ पे ये सब मेरे सिस्टर्स है ना, वो साई के फैमिली के वेलकम के लिए जाते हैं नीचे। तो ये सब लोग यहाँ पे बाहर खड़े थे साई के साथ, और ये सब वेलकम के लिए आए, ऐसा वेलकम करते हैं। और ये पैर धोने का पानी रहता है, ऐसा मेरा जो छोटा भाई है वो पैर धोता है, तो उसने पैर धोए थे और साई ने उसको गिफ्ट किया था। क्या गिफ्ट किया था? वॉच गिफ्ट की थी, ये वॉच गिफ्ट कर रहे हैं, और वो बहुत खुश होके हग कर रहा था। ये एक बार और पैर धोने वाला। और हाँ, और जब लड़का एंटर होता है ना, मतलब लड़का हो या लड़की, ऐसे बजाते हैं, लेकिन साई के लिए ये बजाया था ये पे पे पे। और ये मस्त फोटो है ना, गोपियों के बीच कान्हा। ये बात गलत हुई थी। और ये हो गई मैं सचिन। ये पापी डॉल। ये ना मुझे एकदम ज्वेलरी के एड जैसा लग रहा है ये फोटो। हाँ, नहीं बहुत सही लग रहा है। हाँ और ये हम नाचते गाते अंदर जा रहे थे, मम्मी पता नहीं क्या टेंशन में थी, शायद एंट्री लेट हो गई थी मेरी। मम्मी पूरा टाइम ऐसी टेंशन में। हाँ ये सब लड़की, क्योंकि ये जो सिर्फ लेडीज लड़कियां है ना, वो सिर्फ मतलब जो दूल्हा होता है उनके वेलकम के लिए जाते हैं, लेकिन हमने मेरी शादी में चेंज किया था, हमने इनको भी बुला लिया था नीचे, तो इनका भी मेरा वेलकम हो गया था। ये हम ऐसे सब दो लाइन में ऐसे बजा के बीच में हम मेरे तीन भाई मुझे लेके आ रहे थे, मतलब जीजू, दो जीजू और मेरे पापेटा, ऐसा ये डांस करते, ये डांस करते हुए। ये फिर आ गए स्टेज पे, ये स्टेज पे आ गए। और अपन जैसे बोलते हैं ना, हम कहीं भी जाते हैं तो 2 मिनट बैठना चाहिए, तो वैसे ही स्टेज पे हमें 2 मिनट के लिए बिठाया था, और फिर तब तक माला वगैरह आने तक ऐसे नमस्कार करता है जो जो आया है उनको। ये था हमारे यहाँ पे लोटस की माला, शायद ये मैंने पहनी थी सबसे पहले। ये क्या लग गया? तो ये माला था ये, और साई ने ऐसा जंप किया था मेरा देख के। मैंने तो सुबह किया था ना, फिर आपने मेरा देख के ही किया। और ये साई ने ऐसे जंप किया, फिर ये फ्लावर का गुच्छा रहता है वो एक दूसरे को देते हैं, और फिर वो हाथ में पकड़ना रहता है। फिर यहाँ पे सबके सामने फिर से एक बार कन्यादान किया था डैडी ने।
और ये फिर से फेरे मैं लड़की लेके भाग रहा था हाथों में हाथ। ये वो पप्पी वाला फोटो का है पर ये देखो ना मेरे यहाँ से हेयर स्टाइल खराब हो गई थी, मैंने बहुत डांस किया था एंट्री के टाइम पे अभी, इसलिए अभी यहाँ से आ गई। यहाँ से फिर मैं साई ने पप्पी ली थी और सबके सब हंस रहे थे, मुझे इतनी शर्म आ रही थी साई ने ऐसा किया। अब यहाँ से सबके हमने पैर पड़े थे, मेरे मामा मामी मम्मी पापा और साई के मामा मामी, ये साई के पेरेंट्स यहाँ पे। हाय गॉड। अब यहाँ से शादी के तुरंत बाद ही केली का और वो दूध का शिकरण होता है ना वो पिलाते, इसके आगे पूरे फैमिली फोटोज है तो हम वो स्किप कर देते हैं और हम आते हैं। नहीं नहीं यही यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से हाँ ये पैर में क्या रहता है वो जोड़ में, हाँ वो जोड़ में पहना रहे थे मुझे। और यहाँ से हम फिर से उन लोगों को ऊपर बुला के लेके आए थे और हमने यहाँ पे डांस फिर से शुरू कर दिया। ये देखो ये यहाँ पे ये कौन था पता नहीं लेकिन मैं सबके साथ डांस कर रही हूं। ये आकाश बन करे, ये भगवान है। हाँ सबके साथ नाच रही थी मैं, सबके साथ जीजू तो ये फिर देखो, ये देखो ये उनका ये लेके ये उनका लेके डांस कर रही थी दीदी, उनका बजा रही थी। ये मुझे शायद इन्होंने स्पेक्स दिए थे और वो मैंने दोनों को पहनाया और फिर मैंने ऐसा टॉवल डाल के ये देखो आड़े अच्छे तड़ा और मिनट डटा इधर देखो कितने टुकार लड़की हो ना। ये सबके बीच में मैं अकेली नाच रही थी, मेरे को ये अर्जुन दादा के बोलता है बेटी तू दुल्हन है ना तो शांत रहना थोड़ा तो आराम से नाच, लेकिन फिर पता नहीं क्या हो गया था हम दोनों नाचने लगे थे। साई को ये कुर्ते में प्रॉब्लम ये हुई थी कि यहाँ पे आप देख सकते हो इतना टाइट हो गया था ना कि साई को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी है ना। और उससे वो टाइम में ये भी बहुत था गर्माहट भी बहुत थी ना। ये गौरव ये मस्त फोटो आया था ये हमें इतनी भूख थी लेकिन खाना देख के ना खाना खाने का मन ही नहीं किया। और हमारे यहाँ पे ऐसा है कि लड़कियाँ जो दूल्हा है वो लड़की के घर जाता है तो ये सबको वो बात पता नहीं थी और उन्होंने अचानक देखा कि मैं साई को घर लेके जा रही हूँ तो ये सब ऐसे रो रहे थे जोर जोर से साई को पकड़ के कि विदाई हो रही थी ना साई की विदाई हो रही थी तो ये सब पकड़ के रो रहे थे साई को बहुत देर से। और फिर बाद में मतलब ये लड़के पूरे दोनों साइड में थे ना तो साई के लिए रो भी रहे थे और फिर बाद में उन्होंने गाड़ी भी पुश की थी जो बहन के करते हैं ना तो वैसे भी वो मेरे लिए कर रहे थे वो तो ये हमारे घर पे एंटर हुआ ऐसे नजर उतारते हैं ये पानी में दिया लगाकर और फिर ये गृह प्रवेश साथ में ये okay. मेरी बड़ी मौसी है और फिर यहाँ पे आके भी शिकरण खिलाते हैं मुँह मीठा कराते हैं घर में आने के बाद और ये एंड। अच्छा था ना आपने शादी का एल्बम देखा, अगर आपको कौन सा फोटो ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे कमेंट में बताना और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना कि आपको कौन सा फोटो ज़्यादा अच्छा लगा।